पति ने पत्नी को शादी के बाद कपड़े नहीं दिलाए तो वह मायके चली गई। पत्नी का आरोप है कि पति घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता। मामला परिवार परामर्श केंद्र में आने के बाद दोनों का राजीनामा कराया गया। पति ने पत्नी को शादी के बाद कपड़े नहीं दिलाए तो वह मायके चली गई। पत्नी 2 माह से मायके में रह रही है। पत्नी का आरोप है कि पति घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता है और न ही नए कपड़े दिलाता है। मामला परिवार परामर्श केंद्र में आने के बाद काउंसलर ने दोनों पक्षों को सुनकर राजीनामा कराया। परिवार परामर्श केंद्र पर आज 95 केसेस थे, जिसमें 8 केस सॉर्ट आउट किए गए, 1 केस में FIR की गई, बाकी के तारीख लगा दी गई है। परिवार परामर्श केंद्र पे एक अजीब प्रकार का केस आया था। 2023 में शादी हुई थी। लड़की का कहना ये था कि जब से शादी हुई है आज तक इसने मुझे कोई कपड़ा नहीं दिलवाया ऐसा, और मेरे से गाली गलौज देता है। जब मैं इसको बोलती हूँ कुछ मेरे को कपड़े दिलवा दो तो बोलता है मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। सर 1 साल हो गई है, आज तक इसने कोई कपड़ा नहीं दिलवाया है। मैं अपने मायके चली जाती हूँ, वहाँ से मैं कपड़े लेके आती हूँ तो ये मेरे से मारपीट करता है। तो मैं पिछले 2 महीने से अपने मायके रह रही हूँ, और जब मेरे पास आया तो मैंने काउंसलिंग की दोनों की, तो लड़के को बोला कि इसको कपड़े भी दिलवाएगा और इसके पर्सनल जो आइटम है वो भी दिलवाएगा। दोनों में राजीनामा हो गया, खुशी खुशी अपने घर चले गए। काउंसलर डॉक्टर सतीश खिरवार ने बताया कि मामले में राजीनामा कराया गया है। छोटी छोटी बातों पर परिवार बिखर रहे हैं, ऐसे परिवारों को जोड़ने का काम परिवार परामर्श केंद्र में किया जा रहा है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।